Yeah. Hey, look, we have RC and Sabyasachi. Guys, why don't you come? RC, why don't you come here? Hey, look, Sabyasachi is here, guys. Woo! Hi. The real rock stars in town. Hello. जैसे हम लोग बात कर रहे थे सीजन 11 कभी रिपीट नहीं हो सकता वो बेंचमार्क था राइट आरसी वो कभी नहीं हो सकता तो आरसी आप अपने लॉन्च के बारे में खुद बताइए कुछ अभी मैंने बताया तो था वापस बता दो ओह दूसरा न्यूज़ चैनल सो ये कैलेंडर लॉन्च है और बहुत अलग तरीके से है बिकॉज इसके अंदर इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर मोहम्मद इन्होंने बहुत अच्छे से इसको अलग क्या अलग रूप दिया है अपने कलर्स ऑफ लाइफ दिया है तो जनवरी में इन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा चेहरा रखा और बाकी फिर दूसरों के साल आप ऐसे अर्शी का चेहरा देख के अगर शुरू करो तो बहुत अच्छा होता है सो इसीलिए जनवरी अर्शी का है इट्स अ मसालेदार कैलेंडर एंड यू गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट हम तो वैसे ही मसालेदार हैं बहुत ज्यादा ये स्पेशली यू एज़ यू नो इट्स बहुत सारे अभी ऑफर्स हैं बता नहीं सकते लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज्यादा रहेंगे बहुत जल्दी धमाका होने वाला है और धमाका हो रहा है ऑलरेडी यू नो एवरी स्टेप जैसे ये कैलेंडर देख रहे हो एवरी स्टेप काउंट्स एंड दिस इज अ ग्रेट बिग स्टेप फॉर आरसी खान सो इट्स हैपनिंग थैंक यू अभी रिसेंटली आपने टेलीविजन में काम किया था कलर के पॉपुलर शो में तो इसके बाद आपको टेलीविजन में हम देखेंगे या कोई मूवी का ऐसा सबसे पहले मैं टेलीविजन ही करूंगी बिकॉज एक आर्टिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि आप कैसे कैसे कलाकार हैं कैसे अदाकारा कैसी हैं आपको मोस्टली मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिनको एक्टिंग नहीं आता है और वो बड़ी बड़ी मूवीज़ में कैमरा के सामने खड़े हो जाते हैं लड़कियाँ ही बहुत सारी हैं जो फिर एक मूवी इसके बाद दूसरी मूवी में नहीं आती है तो सबसे पहले अपने आप को निखार हो उसके बाद एकदम से जाओ सलमान के सामने See, the thing is, practice makes perfect. So yes. RC is doing a yes, great practice, yes. and one day she'll be perfect. Yeah. She's a very hard-working girl, yes, and. Yes. मैंने इसे परसों ही शायद कहा कि यार कभी गोवा कभी मैसूर कभी बैंगलोर कभी दिल्ली कभी तो एक चार्टर फ्लाइट ही खरीद ले सो आई वाज टेलिंग हर दैट बिकॉज ये लड़की थकती नहीं है और बिग बॉस के बाद ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको प्रूव करना होता है आपने पिछले सीजन देखे होंगे शायद ही कोई दिख रहा होगा बट एक सीजन जा चुका है हमारे सीजन के बाद हम सब दिख रहे हैं अपने अपने जगह अपने अपने कामों से दिख रहे हैं सब अपने अपने जगह जोनर बिग बॉस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड बिग बॉस इज ग्रेट फॉर लॉट ऑफ पीपल मैं सबको बोलता हूं प्लीज बिग बॉस ट्राई करो एक आम आदमी से आप खास बन सकते हो बिग बॉस रॉक्स इट डज तो आशी खान आप तो पहले से बहुत पॉपुलर आप एक मॉडल थी पर बिग बॉस में जाने के बाद क्या आप में चेंजेस आए क्या कुछ एक नया आपको तब मैं बड़ी आम इंसान थी जब मैं बिग बॉस में गई थी अब आम रस है इसमें रस भर गया है आम रस हो गई है इसमें बट इसमें खास क्या हुआ इसके लाइफ में चेंजेस मैं बता दूं आपको इससे हमेशा के लिए एक आकाश और एक सभ्यसाची मिल गया yes, yes. और एक चीज बिल्कुल नहीं बदली इसको क्रिकेटर्स अभी भी बहुत पसंद है अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे क्रिकेटर्स के बारे में आशी मैम वी आर फ्रॉम